भारत में कोविड 19 के मामले 91 लाख के पार, 1,33,738 लोगों ने जान गंवाई। 224 घंटे में दिल्ली में कोविड 19 संक्रमण के 6,746 नए मामले, 121 लोगों की मौत। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मोर्रा कोरोना वायरस से संक्रमित। अमेरिका में 11-12 दिसंबर से शुरू हो सकता है कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम। ट्रंप अभियान ने जॉर्जिया में पुनर्मतगणना के लिए दायर की याचिका। काशी में देव दीपावली देखने आ रहे पीएम मोदी, सीएम योगी करेंगे आगवानी। यूपी में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में आज से लगेंगी कक्षाएं, बुलाए गए 50% छात्र। कानपुर से लखनऊ के बीच ट्रेन में मिला 3 साल का मासूम, डीआरएम ने चाइल्ड केयर को सौंपा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को विपक्ष ने लूटा। गोरखपुर बस्ती मंडल को 1182 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 26 को नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास। एलडीए की फाइलों के रख रखाव का मामला, फाइलें न मिलने से नामांतरण और फ्री होल्ड का काम प्रभावित, आवंटी परेशान। गोरखपुर में नए साल में मिलेंगी अत्याधुनिक टाउनशिप की सौगात। मुरादाबाद में प्याज से भी महंगा बिक रहा आलू, मोहल्लों के हिसाब से तय होते हैं रेट। कासगंज, सापा कार्यकर्ताओं में समाजवादी मुखिया मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्म दिवस। कासगंज स्थित सापा कार्यालय उर्मिला पैलेस पर बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरदोई, सवायाजपुर के गोप बिरंद गौशाला में हजारों गायों को गुड़, चना व फल खिलाकर गौ माता से आशीर्वाद मांगा व पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी ने गौ माता का पूजन विधि विधान से किया। कासगंज, सेवा भारती जनपद कासगंज के द्वारा गोपाष्टमी के उपलक्ष में विविध स्थानों शेवर, सिरावली, खुशहालपुर, कासगंज, किशरौली एवं बधारी में कार्यकर्ताओं द्वारा गौ माता का पूजन किया गया तथा वंदना भी की गई। अलीगढ़, गोपाष्टमी का नगर निगम ने आगरा रोड स्थित कान्हा गौशाला, बरौला जाफराबाद स्थित नंदी गौशाला में मनाई। कासगंज जनपद में झंडा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक कासगंज एवं थानों पर थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थानों पर ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। नियोली, गोपाष्टमी के अवसर पर भम्मा नगला स्थित गौशाला पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गौ पूजन एवं गौ संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कासगंज, सड़क सुरक्षा सप्ताह के 5वें दिन रोडवेज बस स्टेशन कासगंज पर चालक, परिचालक व यात्रियों एवं अन्य रोडवेज कर्मचारियों को एआरटीओ राजेश राजपूत व स्टेशन प्रभारी ब्रजेश कुमार की उपस्थिति में कोविड 19 तथा सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। अकबराबाद थाना क्षेत्र के गांव जिरौली हीरा सिंह सुबह बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को दूसरे को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। वारावंकी, गांव के चौकीदार के घर को जाने वाले रास्ते के निर्माण में गांव के ही दबंग निर्माण न कराने की धमकी देकर बाधा डाल रहे हैं। उक्त रास्ते का निर्माण स्वयं चौकीदार अपने निजी धन से करा रहे हैं। श्वार, आज व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अनवर अली सभी व्यापार मंडलों के सदस्यों के द्वारा श्वार मार्केट में मास्क वितरण करें। सहावर, नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर श्वेकर मूल्यांकन प्रणाली के तहत कस्बा वासियों पर लगाए गए गृह कर की आपत्तियों को सुनकर समाधान किया। कासगंज, पटियाली कोरोना वायरस और संचारी रोग समय स्वच्छता का भी है महत्व और नगर पंचायत और प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए स्वच्छता के आदेशों पर नगर पंचायत पटियाली सफाई व्यवस्था हर रोज करने में लगातार जुटी हुई है।